हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बहुत ही खूबसूरत सुहानी सुबह। सुबह देख रहे हैं जगमगा रही है, सूरज चमक रहा है और हम लोग निकलने वाले हैं आज पिकनिक के लिए। और हम लोग उठ गए थे आज 5 बजे, सब लोग रेडी हो गए हैं। ये लोग भी देखो यहीं रहना घर पे, और सब लोग आ चुके हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर। बस हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है, बच्चे बिल्कुल रेडी हैं टोपी पे लगा के। ये हमारी दीदियाँ हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। ये माधी दीदी हैं, ये रूवी दीदी हैं। हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक पे, वाल्मीकि नगर जा रहे हैं आज हम लोग। ये चांदनी है, ये ओजस है, ये ओजस की बुआ मिष्टी। बोलो हेलो, बस हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से, मजे आने वाला है। से वाल्मीकि नगर जाते समय आपको मिलेगी ये बड़ी सी नदी, और नदी देख रहे हैं काफ़ी सूखी हुई है। बीच बीच में जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो लोगों ने खेत बना रखे हैं। बिल्कुल लग नहीं रहा ना कि वो खेत है करीब से देखेंगे तो। और ये ब्रिज है ना, काफ़ी ज़्यादा चलता है क्योंकि यही एक रास्ता है इस तरफ से उस तरफ जाने का। हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी से बाहर, थोड़ी देर यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचवाई हम लोगों ने, काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा बहुत आया। और हवा थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी क्योंकि मौसम भी ठंडा है और ब्रिज के ऊपर है तो और ठंडा लगेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सामने वो ग्रीन वाला नज़ारा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा कि वो खेत बने हुए हैं और इस तरफ ये पानी चमक रहा है, चम चमा चम चम चमा चम। इस समय से गेहूँ की फसल का टाइम है तो लोगों ने गेहूँ बो दिया है। अब एक शानदार नज़ारा आपको दिख रहा है, वो पानी ही पानी। यहाँ पर वैसे बोटिंग भी होती है, इसमें 2-3 नाव हम लोगों को दिखी पर वक्त नहीं था तो हम लोगों ने बोटिंग नहीं की। अच्छा गन्ने से चीनी बनती है। थैंक यू मिस्टी। हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर, इको पार्क है ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए क्या जाते हैं आप देख रहे हैं सामने कितने पाए जा रहे हैं।
उछल उछल के कूद कूद के आपको सामान छीन लेंगे, जो भी सामान आप लेकर आएंगे। खाने वाला सामान तो आप लेकर जा ही नहीं सकते इधर से उधर, बिल्कुल भी नहीं, कोशिश मत करिएगा। हम लोग की मैगी छीन ली बंदरों ने, और यहाँ पर स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ का, और एक पार्क है, बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। हम लोग भी यहाँ पर गए थे पहली बार, पर बहुत मज़ा आया। अब आपको दिखाते हैं बाहर से शानदार नज़ारा। ये आप देख रहे हैं यहाँ का, ये एंट्री वाला गेट था जो मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं जंगल कैंप की तरफ। जंगल कैंप पहुंच चुके हैं हम लोग, वाल्मीकि पार्क। यहाँ पर हट बने हुए देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, बने हुए ट्री हाउस भी आपको यहाँ पर दिखेगा। जंगल कैंप की एंट्री यहाँ से होती है, आप अंदर आएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग घाट पे। एक्चुअली घाट पे रास्ता एक और है जो जंगल के बीच जाता है, तो पहले हम लोग चलते हैं नदी के किनारे जहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग जंगल सफारी। चुके हैं दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत जगह में आपको दिखाते हैं। पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, और एक नदी दिख रही है, और उसमें बोटिंग भी हो रही है। वो सामने दिख रहा है खूबसूरत घाट, वो दिख रहा है ना घाट, आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा करीब लेके चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे लोग आते हैं भाई, इतनी दूर इतना जंगल में लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है, देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। खूबसूरत घाट है यहाँ पे, बस पहुँच गए हम लोग। नीचे रेत ही रेत दिख रही है, वाह बहता हुआ पानी, खल 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 खल। ओजू ओजू कैसा लग रहा है? अरे ओजू को मजा आ रहा है भाई, ओजू ने स्माइल किया। हाँ तुम लोग आए हुए हो भाई, देखो सबके सब दिख रहे हो, ये पीछे पूरी टीम आ गई। नहीं बात तो सही है, पानी कैसा लग रहा है, जगह अच्छी है, क्या बात है, लग रहा है कहीं नई जगह है। खूबसूरत जगह भाई, देखो तो रेत ही रेत है, यहाँ पर नदी सूख गई है। हेलो ओजू, देखो यहाँ परछाई दिख रही है ओजू की, अभी बहता हुआ पानी दिखेगा, सबसे मजा तो वहीं आएगा अच्छे से। ओजू देखो हम लोग पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए, देख रहे हो बहता हुआ पानी। ओजू हमारा बहुत सुस्त है, ओजू थोड़ा सा बीमार लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में इंजॉय करेगा, ओजू भी इंजॉय करेगा। पीछे पानी खलखल खलखल बह रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, करीब ले चलता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए बहता हुआ पानी। टाइम हो गया, आप यहाँ से चलते हैं कहीं और, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें घूमनी है। ओजी लटके हुए इस तरफ, और मिस्टी इस तरफ। मिस्टी कौन सा गाना गा रही हो? मिस्टी बोलो मोए मोए अरे मोए 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 कर रही है भाई, मोए 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 चोए चोए नहीं मोए मोए पापा को जाना।
इधर आइए। अच्छा अरे इधर आ जाओ मेरे पास आओ आ जाओ। हम लोग की सफारी हो गई रेडी, हम लोग जाने वाले हैं घूमी घूमी, बस वही गाड़ी रेडी हो गई है। पीछे हम लोग चलने वाले हैं, इस गाड़ी में बस बहुत कम लोग हैं, मनीष पीछे है, मैं इधर हूँ और चांदनी और ओजू, बस चार लोग हैं। अब मैं रह गया हूँ। हाँ यही एंट्री होगी। अच्छा यहीं से, अच्छा पूरा जंगल 901 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अच्छा अच्छा, दो डिवीजन में बटा है, डिवीजन 1 डिवीजन 2। आप अभी जहाँ पे घूम रहे हैं ये डिवीजन 2 है। अच्छा अच्छा, और ये जंगल दो बॉर्डर से कनेक्टेड है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर थी जो नेपाल पे है, दूसरा उत्तर प्रदेश में सोही बरवा। अच्छा अच्छा, इधर से मैं इधर भी आते हैं, इधर के मैं उधर चले जाते हैं, क्योंकि ये जंगल पूरी तरह से ओपन है, कहीं किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। अच्छा अच्छा, 1994 में ये टाइगर रिजर्व बना और ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है, ऑल इंडिया में इसकी रैंकिंग 13 है। अच्छा अच्छा, यहाँ 50+ रॉयल बंगाल टाइगर है और यहाँ उसी की काउंटिंग की जाती है, अदर किसी एनिमल की नहीं होती है। अच्छा, ये जंगल साल बेट फॉरेस्ट है क्योंकि अच्छा। यहाँ सबसे ज्यादा साल का ही पेड़ है। हाँ। और आज भी कई ऐसे विलेज है जहाँ किसी ओकेजन पे खाना खिलाने के लिए साल के ही पत्ते का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, पहले रेल क्लाइम में जो पटरी का यूज होता था। हाँ। तो साल का ही लगता था। अच्छा, अच्छा। ये जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ। और इसी के लिए एक फ्रेजल भी है कि 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा तब जाके जौ भर सका। अच्छा अच्छा, यहाँ डियर की 4 स्पीसीज है, एक्सपोर्टेड डियर, सामर डियर, ऑफ डियर और बाकी डियर। अच्छा अच्छा, 320+ बर्ड की स्पीसीज है, वेनोमस नॉन वेनोमस दोनों तरह के स्नेक है। अच्छा अच्छा, फोर में जो स्नेक आते हैं किंग कोबरा और रसेल वाइपर। हाँ। जंगल में भी है। अच्छा अच्छा, राइट साइड में जो मिट्टी का घर है। हाँ। ये टर्माइट माउंटेन दीमक का घर है। अच्छा। जो बालू का दूसरा पसंदीदा भोजन है ये दीमक का घर जी, और ये जमीन के ऊपर इतना हाइट है। हाँ। जमीन के नीचे भी है। अच्छा, संस्कृत में दीमक के घर को वाल्मीकि बोलते हैं। अच्छा अच्छा, महर्षि वाल्मीकि का नाम इसके नाम पे पड़ा था। अच्छा अच्छा, तपस्या कर रहे थे, ये उनके पूरे शरीर पे अपना घर बना देते हैं। अच्छा, उनका नाम वाल्मीकि हो गया। अच्छा अच्छा, उनके नाम पे जगह का नाम वाल्मीकि नगर पड़ेगा। अच्छा अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट एटलस मॉथ को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला है। अच्छा अच्छा, इसे बटरफ्लाई और मॉथ दोनों। अच्छा, एक ही वर्ग में आते हैं, रैपिड ऑफ तेरा वर्ग में आते हैं। तो बटरफ्लाई जो होती है वो हमें दिन में दिखाई देती है और मॉथ जो होते हैं वो रात में दिखाई देते हैं। अच्छा अच्छा, बटरफ्लाई की अपेक्षा मॉथ थोड़े बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। और बटरफ्लाई जो होती है ना जब बैठती है। हाँ। तो ये पंख को समेट देती है ऊपर की तरफ। अच्छा अच्छा, लेकिन मॉथ जो होते हैं ना बैठते हैं तो पंख को खोल के बैठते हैं। खोल के बैठते हैं। वो छोटे होते हैं? नहीं, मॉथ बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। दोबारा फिर से मिल गई आगे इधर से, ये यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं। देखो जैसे तुम्हारी जवाई लेते हैं फोटो आ गई। इको पार्क से वो पीछे के घाट का नजारा आप देख रहे हैं, शाम होने लगी है, हल्का हल्का मध्यम मध्यम और अंधेरा होने लगा है। सामने देख रहे हैं आप वो जल जो आग से दिख रही जलती हुई, वो जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको जलाया जा रहा है नदी किनारे, वो घाट है मतलब शमशान घाट होगा उस तरफ का, तो वहाँ पर वो जलाया जा रहा है, मतलब कहीं पर खुशियाँ कहीं पर गम,
तो ये सिस्टम तो चला ही करता है हमारे नेचर का, सब जगह एक जैसा नहीं रहता माहौल। पर हम लोगों ने आप बहुत इन्जॉय किया साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ।